या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 196। पांचवी बारी दसों दनी कहीं है ते सहू थी मोटी जानो जीरे भाई सहू थी मोटी जानो जी ते माहे गुरपीरासन कबीर दिन ने हमें पांच बारियों का जिक्र किया है। आपने कभी ख्याल किया कि भला बारी का लफ्ज क्यों लिखा गया? पहली बारी शाम को जमात खाने आके पहली दुआ पढ़नी, दूसरी बारी हमारी जो इशा की नमाज है यानी शाम के बाद हम दूसरी दुआ पढ़ते हैं, तीसरी बारी सुबह की नमाज हमारी जो है वो तीसरी बारी है, चौथी बारी अपने आप को बिल्कुल नीचा और खाकसार समझना, और पांचवी बारी ये है कि तुम अपनी कमाई में से दसवां अदा करो। इनको बारियों का नाम दिया, भला बारी किसके लिए होती है? एक तो दरवाजा है, हम अपने कमरे में या घर में आते हैं तो फिर बारी रखने का मतलब क्या होता है? हवा आवे और रोशनी आवे। अगर बारी बंद हो जाए तो हवा भी बंद हो जाए और रोशनी भी बंद हो जाए। हवा कौन सी है और रोशनी क्या है? जब इंसान को गर्मी होती है तो उसको ठंडी हवा आती है, हवा का मतलब सुख है, हवा का मतलब सुख। जैसे कि लोग बुजुर्ग अपने बच्चों को दुआएं देते हैं कि तेरे को हमेशा ठंडी पवन देता रहे, यानी कि तुम्हारे दिल के अंदर ठंडक और शांति रहे, सुकून रहे। रोशनी का मतलब है कि तुम्हारा मन जागता रहे और खुदा की बरकतें और रहमतें तुम्हें मिलें। ये दो चीज़ें रोशनी और हवा जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो बारी में से मिलती हैं। इसलिए पीर ने इन पांच बारियों का जिक्र किया। फरमाते हैं कि सबसे बड़ी बारी है वो दसवंत की है, इसमें बहुत होशियार रहना, ये बारी तुम्हारी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये बारी बंद हो गई तो गवर्नर तुमसे दूर हट जाएंगे। इस बारी का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, ये ऐसी बारी है कि तुम्हें दुनिया में हैरान करेगी। पीरसन कबीर दीन एक और पाठ में फरमाते हैं, आशा जी दसवंद देवे ने सिद्ध के रहवे तेहरान ना हो ऐसी सोही जी। जो आदमी दसवंद देगा और
और सिद्दक के साथ यानी सच्चे ईमान के साथ चलेगा तो फरमाते हैं वो हैरान नहीं होएगा। मार्ग छोड़ी ते नहीं जावे, मार्ग छोड़ी ते नहीं जावे, ऐसे धर्म अपनो। वो आदमी रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, ये हमारा फर्ज ड्यूटी है। जो आदमी दसवन देता है उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि खुदा ने अपने दिल में रहम करके हमको दसवन देने के लिए फरमाया। दुनिया का कोई मजहब ले लो, जो मजहब आसमानी दीन है, नबियों की तरफ से जो दीन आए, उन तमाम मजहबों के अंदर खुदा ताला ने लोगों के ऊपर अपनी मखलूकात के ऊपर सलात और उसके साथ साथ ज़कात फर्ज करार दी गई। आप कुरान शरीफ उठा के देखो, हर जगह सलात को ज़कात के साथ रखा है, हर जगह। व आतु ज़कात व अस्सलात व अकीमु सलात व आउतु ज़कात, इस तरह से खुदा ताला ने फरमाया है। और ये एक बड़ी कॉमन आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अकीमु सलात व आतु ज़का व माउर राकेईन। एक जगह फरमाया कूनू माउर राकेईन, उनके साथ रहो जो खुदा के सामने झुक जाते हैं, उनमें से तुम बनो जो खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं। रुकू करना कहते हैं झुक जाना, लेकिन हम रुकू को समझते हैं घुटनों पे हाथ रख के झुकने का नाम, ये उसकी सेंस नहीं है। जैसे कि सजदा भी हम जमीन के ऊपर सजदा कर देते हैं, मगर ये उसकी सेंस नहीं है। अलबत्त हमारे बदन की कंडीशन को हम अपने ख्यालात की तरफ लगा के हम अपना इजहार करते हैं ईमान का, और अच्छी बात है, क्योंकि हमें जाहिर की चीजें भी चाहिए। जाहिर के अंदर भी हमारा सिर झुकना चाहिए, जाहिर के अंदर भी हमारे हाथ दुआ के लिए उठने चाहिए। लेकिन दीनदारों, अगर दिल के अंदर कुफ्र छुपा हुआ है तो सर झुकाने से कोई फायदा नहीं। मक्का के अंदर जब इस्लाम दीन जाहिर किया रसूल पाक ने, बहुत से लोग मुसलमान हुए, हिजरत हुई मदीने के अंदर, तो और भी बहुत मुसलमान हुए। लेकिन शुरू शुरू में मक्का के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान हो गए कि जिस वक्त वो नमाज के लिए आते थे तो अपनी कोट की आस्तीन में स्लीव्स के अंदर छोटी छोटी लकड़ी की या मिट्टी की मूर्तियां बुत लेके आते थे। आपको पता है अरब लोग जो लंबा चोगा पहनते हैं उसकी स्लीव्स बहुत बड़ी होती, लंबी होती, हाथ अंदर छुप जाते हैं। रसूल के पीछे खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं और मूर्तियां उनकी स्लीव्स में हैं। जब भी वो झुक जावे, रुकू पे जावे तो हाथ के ऊपर मूर्ति रख लेवे, और जब वो सजदे में जावे तो वो मूर्ति, वो बुत अपने सामने रख के उसको सजदा करते थे। नमाज पढ़ते थे लेकिन सजदा करते थे उन बुतों को जिनको वो मानते थे। सूरह बकर की जो पहली 10-20 आयतें हैं उसको आप पढ़ो। इसी तरह एक दिन नमाज के दौरान अल्लाह ने वही भेजी, ऐ नबी हाथ छोड़ दो। हाथ बांधे हुए थे, हाथ छोड़ दिए, यकायक हाथ छोड़ने से बहुत से लोगों की स्लीव्स में से वो बुत गिर पड़े। तब पता लगा कि ये तो मुसलमान दिखाने के हैं, असल चीज जो है वो इंसान के दिल में रहती है।
असल एतकाद जो है वो इंसान की नियत के साथ रहता है। हाँ, जाहिर में सजदा करो और करना चाहिए ताकि हमको देख के हमारे बच्चे भी सीखें, मगर दिल भी साथ सजदे में झुकना चाहिए। सिर्फ सर झुकाने से सजदा नहीं होता, अंदर ईमान होना चाहिए और वो सजदा ऐसा होना चाहिए कि इंसान अपने आप को खुदा के सामने हाजिर समझे। बहुत बरस पहले मैंने अपनी किसी आवाज में अपनी छोटी उम्र का एक जिक्र किया था। अमृतसर के अंदर हम लोग जहां रहते थे, हमारे पड़ोस में एक मुसलमान था, उसका नाम था अब्दुल रसूल। बर्तनों को कलई करता था, कलईगर था। गरीब आदमी था, कोई बहुत मालदार भी नहीं था, मजदूरी करता था। नाम उसका अब्दुल रसूल। ईद आवे तो दुकान बंद करे और खुशियां मनावे। 7-8 साल की उम्र में सुन्नी मौलवी मेरे घर पे आके मुझे कुरान सिखाया करता था। हम पंजाब के इस्माइलियों को इमाम का हुक्म था कि तुम सुन्नी मुसलमानों के साथ मिलो, लेकिन याद रखो तुम्हारा इस्माइली सतपंथ तुम्हारे दिल में से बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए। हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे सुन्नियों के साथ, लेकिन जमात खाने के अंदर 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ते थे। दस एक 12 साल की उम्र हुई, मुसलमानों के साथ मिलके अच्छी तरह से इस्लाम की स्टडी भी की। हम कुछ लड़के थे, हमने सोचा कि भाई जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज पढ़ाओ, जो रोजे नहीं रखता उसको रोजे रखवाओ। बस ये हमारे शौक हो गया। फिर के ये पड़ोसी के ऊपर नजर पड़ी कि भाई ये अब्दुल रसूल ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। हम उसको जुमे की नमाज के लिए बहुत दफा बोले, मगर कभी वो हाथ में ना आवे, छटक जाए। एक दिन ईद का मौका आया और हम उसके पीछे पड़ गए। कहते हाँ बाबा, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा। ईद की सुबह भी उसके घर जाके उसको होशियार किया, कहता तुम चलो मैं आता हूं, मगर वो आया नहीं। 2 महीने और 10 दिन के बाद दूसरी ईद आई और हम ये थोड़े से लड़के उसके पीछे पड़ गए। और अब ये तय किया कि ये हमेशा फरेब देता है, आज तो इसको लेके ही जाना है। उसके घर पे पहुंच गए, उसको तैयार करवाया, वो हाथ जोड़े कि भाई तुम जाओ मैं आऊंगा। हमने उसको छोड़ा नहीं। आखिर वो नहाया, लुंगी बांधी, कुर्ता पहना, सिर पे टोपी रखी, बाहर निकल के ये इतनी तैयारी के बाद भी कहता कि से मुझे छोड़ दो। हमने कहा नहीं, ले गए उसको ईदगाह। ऐसा 2-3 दफा हुआ था। एक दफा हम उसको ईदगाह ले गए थे तो ईदगाह से भाग गया था, लेकिन इस दफा मैं कहानी बहुत लंबी नहीं करता, बिल्कुल शॉर्ट में कहता हूं। इस दफा हमने ये तय किया कि वो हमारे साथ चले और जब इस सफ में खड़े होवे नमाज के लिए तो पीछे भी 2 लड़के खड़े हो जाएं। ऐसा ना होवे कि ये वो नमाज की सतर में से भी भाग जावे, क्योंकि उसने एक दिन ऐसा ही किया था। तो 2 लड़के पीछे रहे, 2-4 इधर रहे 2-4 इधर रहे, उसको हमने बीच में रखा। नमाज की नियत हुई, नमाज के लिए जमात खड़ी हुई। ईदगाह की बात करता हूं, पहली रकात के अंदर जो पहला सजदा आया तो सजदा उसने बहुत लंबा किया, क्योंकि 2 सजदे यकायक होते हैं। पहली ही रकात में उसने सजदा किया, वो सजदा ऐसा लंबा था कि दूसरा सजदा नहीं हुआ, जमात ने दूसरा सजदा कर दिया। दूसरी रकात के लिए जमात खड़ी हुई, अब्दुल रसूल खड़ा ना हुआ, अभी नमाज में उसको छेड़ना ठीक नहीं था। 2 रकात की नमाज पूरी हुई और जब बैठा देखा तो अब्दुल रसूल पहले ही सजदे में गुजर गया था।
गिर पड़ा। सजदा इसका नाम, खुदा के सामने सजदा करना है। पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, जाहिल था, जिंदगी में उसने शायद कभी नमाज पढ़ी भी ना थी, लेकिन वो हमेशा कहता था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसको खुदा के हुजूर में जाने के लिए ये डर लगता था कि मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन हम बच्चों ने जब जबरदस्ती करके उसको अल्लाह के हुजूर में खड़ा कर दिया, तो उसने एक ही सजदा किया जिंदगी में, लेकिन ऐसा सजदा किया कि मुमकिन है, बल्कि खातरी से कहता हूं कि अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाह बख्श दिए होंगे। इसका नाम है सजदा। हमारा सर नीचे झुकता है, ऊपर उठता है, दिल के ख्याल किधर कुधर फिरते हैं। हमने कभी यह ख्याल किया कि यह मेरा सर जो झुका है वो मौला के हुजूर में झुका है? हमको इस चीज का ख्याल ही नहीं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि अगर सिर को ऊंचा नीचा करने का नाम जो सजदा है, तो ये मुर्गियां सारा दिन और ये जानवर सारा दिन जमीन पे से उठा के चीजें खाते वक्त अपना सिर ऊंचा नीचा कितनी दफा करते हैं। परिंदों को देखो, दाना चुगने के लिए कितने दफा वो सिर नीचे मारते हैं। अगर सिर को नीचे ऊंचे करने का नाम सजदा है, तो इन जानवरों के सजदे हमारे से बहुत ज्यादा हैं। मजहब को तो समझने की चीज है, मजहब तो मोहब्बत की और ईमान की चीज है। मजहब पैसे के ऊपर टिका हुआ नहीं, मजहब किसी और चीज के ऊपर टिका हुआ नहीं, मजहब में जबरदस्ती भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई तरह का जबर नहीं। लेकिन नबियों का या नबियों के हाथ के नीचे जो दूसरे मुअल्लिम हैं, मुबल्लिग हैं, मिशनरी हैं, पंडित हैं, वो हमेशा दुनिया को, लोगों को मजहब सिखाते रहते हैं और वो लोगों को हकीकत की तरफ, हकीकत की तरफ बुलाते रहते हैं। मानना ना मानना इंसान की बात है, लेकिन जो आदमी अपने आप को एकदम वफादार समझता है, जो ये समझता है कि मैं बदमाश नहीं, जो ये समझता है कि मैं वफादार हूँ, जो ये समझता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ, एक आला दर्जे के इंसान की जो खसूसियतें हैं दीनदारों, उन खसूसियतों के अंदर से ये चीजें हैं। रसूल पाक फरमाते हैं कि तीन चीजों के ऊपर ईमान टिका हुआ है, तीन चीजों के ऊपर, एक तो वफादारी, दूसरा सखावत, वफादारी और सखावत, और तीसरी चीज रसूल पाक ने फरमाया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। तो फरमाते हैं अगर तुमने अल्लाह के साथ वादा किया है तो उस वादे का ख्याल रखो। वो वादा हमारी बैयत है, वो मीसाक है। कुरान शरीफ ने इस बैयत को बैयत के लफ्ज से भी याद किया है कि जैसे रसूल को फरमाया तेरे हाथ पे जिन्होंने बैयत की है उन्होंने जाने मेरे हाथ पे बैयत की है। लेकिन रसूलुल्लाह के इस फरमान के अलावा कुरान पाक में जो उनके लिए फरमाया गया, अल्लाह ने मीसाक का नाम भी दिया है कि अल्लाह ने अपनी मखलूकात से मीसाक ली है। मीसाक का मतलब एग्रीमेंट है, वादा है कि हम तेरी इबादत करेंगे। हमारी इबादत किस काम की, हमारी इबादत किस काम की? हम खसूसन, मैं इस्माइलियों ही का जिक्र करता हूं जो कि लागू सारी दुनिया के लोगों को होता है, मगर दीनदारों में सिर्फ इस्माइलियों को कहता हूं। मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हो, मेरे बुजुर्ग हो जो मेरे से छोटे हैं, मैं उनको अपने बच्चों के तौर पर लेता हूं। हमारे ऊपर ये फर्ज है कि मौलाना हजरत इमाम के साथ किए हुए वादे को निभाएं, और उस वादे के अंदर दो चीजें हमारे मजहब के पिलर्स हैं। तीन वक्त की दुआ जमात के साथ पढ़ो, मजबूरी है घर पे पढ़ो, रस्ते में पढ़ो, लेकिन तीन वक्त की दुआ अदा करो और दसवंत माले वाजिब अदा करो। ऐसा नहीं समझो कि दसवंत देने से हम अपना ये मजहब पैसे के ऊपर निभता है ये समझ बैठे। बहुत से ऐसे भाई हैं जो समझते नहीं,
मगर वो ये कह देते हैं इस्माइली मजहब में तो पैसा है। बात सच है, हमारा मजहब जैसा दुनिया में कोई मजहब नहीं, मगर कोई किसी ने मजबूर नहीं किया। कभी अनाउंसमेंट हुई है कि अलाम मेरा जो आदमी पैसा ना रखे, सेंट ना रखे, वो नियाज ना पिए, कहा कभी मुखी कामड़िया ने? या दुआ कराते वक्त कोई मजबूरी की है? नहीं करानी ना कराओ, करानी है तो आओ कराओ। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे मजहब के अंदर हर जगह पैसा काम करता है। अरे ये तो बड़ों की बात छोड़ दो, छोटा बच्चा ले आओ, छोटा बच्चा डेढ़ दो बरस का बच्चा जब भी जमात खाने में एंटर होता है तो मम्मी या डैडी को कहता है मेरे को सेंट दो, मुझे दुआ करानी है। उस बच्चे के अंदर भी ये चीज इस छोटी उम्र से जारी होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी का सारा स्ट्रक्चर मौलाना हजर इमाम के इर्द गिर्द घूम रहा है। रसूल करीम के जमाने के अंदर जो मुसलमान थे उनकी जिंदगी का जो महवर था वो रसूल पाक थे, रसूल उनका मरकज था और उनकी तमाम जिंदगियां नबी के इर्द गिर्द घूमती थी। घरों के अंदर औरतें रोटी पकाती थी, चावल पकाती थी या कोई और चीज पकाती थी तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के रसूलुल्लाह के घर भेजती थी। नबी साहब के पास बस दफा तीन तीन चार चार सौ प्लेटें आ जाती थी, उसमें से थोड़ा नबी खाते थे और बाकी असहाबे सुफा को दे देते थे। बाज ऐसी चीजें आती थीं कि जो खाई नहीं जाती थी तो रसूल पाक उसको बैतुल माल में दाखिल कर देते थे और महीने या आठ दिन में एक दफा उसकी ऑक्शन करते थे। ये जो नांदी का सिस्टम हमारे यहाँ है ये कोई पीर सदरदीन ने जारी नहीं किया, रसूलुल्लाह ने जारी किया है। और हम ये जो अपनी नांदियां अपने घरों में से पका के लेके आते हैं जमात खाने के अंदर, ये भी कोई शम्मस ने नहीं सिखाया। अलबत्ता हमको हिंदुस्तान में इस्माइली बनाते वक्त पीरों ने सिखाया, मगर जारी पीरों ने नहीं किया, रसूलों ने जारी किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म किया अल्लाह ने, ऐ मूसा लोगों के पास से ज़कात लो, उसको तौरात की जबान में और इंजील की जबान के अंदर टाइथ कहते हैं, TITHE, टाइथ। टाइथ का मतलब है 1/10। तौरात जबूर इंजील पढ़ो। अल्लाह ने यहां तक फरमाया कि जितने भी जानवर हैं उनके जो फर्स्ट लिंग्स होवे, यानी पहला बच्चा जिस जानवर का होवे वो अल्लाह का है। जब ये फसल पक जावे तो उसका पहला पाक है वो अल्लाह का है। पढ़ो आप तौरात पढ़ो, ये चीज कोई नई नहीं। तो नबी के हुजूर के अंदर औरतें घर की पकी हुई चीज भेजती थीं, कई औरतें अपने दर दागीने भेजती थीं, कपड़ा भेजती थीं, बहुत सी दूसरी चीजें भी आती थीं। लोग मुर्गियां ले आते थे, ऊंट ले आते थे, घोड़े ले आते थे, बकरियां ले आते थे। या नबी ये अल्लाह के नाम पे है, मैं ये ज़कात देता हूँ। और बाज कहते थे कि ये मेहमानी देता हूँ, बाज कहते थे कि मैं ये सदका देता हूँ। सदके की बात आती थी तो नबी साहब कभी उसमें उंगली डाल के चखते नहीं थे, क्योंकि अहले बैत के ऊपर सदका अल्लाह ने हराम किया है। अहले बैत कभी सदका नहीं खाएंगे, मेहमानी खाते हैं, दसवंद खाते हैं, लेकिन सदका नहीं। सदका जो है वो भिखारियों और मसाकीन के लिए है। सदका जमात खाने में नहीं आता, सदका आप बाहर दो। दसवंद सदका नहीं, दसवंद तो उशर अल्लाह है, अल्लाह का दसवां हिस्सा हमारी कमाई में से जो हक होता है वो उशर अल्लाह दसवंद है, वो अल्लाह का हक है। जिस अल्लाह ने हमें रोजी रिजक दी, जिस अल्लाह ने हमको जिंदगी अता की, जिस अल्लाह ने हमें बीवी बच्चे दिए, जिस अल्लाह ने हमको वालदैन दिए, जिस अल्लाह ने हमको तंदुरुस्ती अता की, और वो अल्लाह के जिसने जिंदगी ली है जिस तरह दी है, यानी उसने हमको मौत भी दी है, हमसे हिसाब मांगेगा। और हमारे मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर यौम आखरत की बात तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे पास से हिसाब मांगा जाएगा। हमारे ऊपर दसवंद जो है वो कर्ज है, कर्ज है।
दसवंध देने से हम कुछ हजर इमाम के ऊपर अल्लाह रसूल के ऊपर हम कोई एहसान नहीं करते, हम अपना कर्जा अदा करते हैं। मौलाना हजर इमाम की मेहमानी नहीं करनी भले ना करो, मगर दसवंध बराबर दो। जमात खाने के अंदर कम पैसे खर्च करो, कभी मुफ्त दुआ करानी मुफ्त दुआ कराओ, मुफ्त न्याज पी सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर दसवंध बराबर अदा करो। जिसने दसवंध नहीं दी, फिर हसन कबीर जी ने फरमाते हैं, वो हैरान होगा जो दसवंध देगा, सिद्क के ऊपर यानी अपने ईमान के ऊपर चलेगा, तो फरमाते हैं हैरान नहीं होगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही एक आदमी का जिक्र किया कि जिसने कहा, या मौला मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, दुकान खोलता हूँ, लेकिन मेरे दो एंड्स मीट नहीं होते, मेरा खर्च ज्यादा है, मेरी आमदनी कम है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने उसको पूछा कि तुम दसवंध देते हो, दुआ पढ़ते हो? दुआ तो कहते खुदावंद दुकान के ऊपर पढ़ लेता हूँ, लेकिन दसवंध के अंदर खामी है। तो मौला के हाथ में लकड़ी थी, उसकी गर्दन में लकड़ी डाली, लकड़ी का ऊपर का जो हिस्सा मुड़ा हुआ है उसकी हाथ गर्दन में डाल के मौला फरमाया, बराबर दसवंध हो गए, बराबर दुआ पढ़ोगे तो हम गाहक को गर्दन से खींच के तुम्हारे पास लेके आएंगे। दसवंध हकीकत में ऐसी चीज है। मेरे पास बहुत से लोग आया करते हैं, जब भी कोई लोग आते हैं मेरे पास जिन्हें पैसे की तकलीफ है, मैं उनको ये पहली सलाह देता हूं कि वो अपनी दसवंध का ख्याल करो, दसवंध बराबर है। और आप देखना, जिस जिस शख्स को पैसे की तकलीफ है, जिसका व्यापार अच्छा नहीं है, जिसका खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, पहली चीज ये उसकी तपास हो कि दसवंध बराबर है। 99% के हिसाब में आपको लगेगा कि दसवंध उसकी बराबर नहीं है, तपास करोगे तो ये चीज मिलेगी, दसवंध की खामी है। $100 बनते हैं, $800 की साफी कमाई होवे टैक्स वगैरह देने के बाद, तो $100 देने चाहिए। कभी हमने उसके अंदर से $99 दिए जानबूझ के, $1 कम दिया तो वो $1 आपको तकलीफ देगा। ईस्ट अफ्रीका में एक शहर है, उस शहर का नाम है एल्डोरेट। बहुत ठंडी जगह है, नैरोबी से 100 मील ऊपर नकुरू है और नकुरू से तकरीबन 80 मील पौना 100 मील एल्डोरेट है। छोटी सी जमात है। बहुत बरस पहले की बात है, कुछ 20-21 बरस हुए, नहीं ज्यादा हुए, 30 बरस की बात है, 52-53 साल की बात है, 1952-53 की। मैं एल्डोरेट आवाज के ट्रिप के ऊपर गया। हर वक्त किसी न किसी तरीके से दसवंध का जिक्र करना हर इस्माइली मिशनरी के ऊपर फर्ज है, चाहे आवाज का टॉपिक कैसा भी होवे। अगर उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक खास खसूसन करके दसवंध के ऊपर वाज कर सके, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मिशनरियों को फरमाया कि जरूर दसवंध को टच करो, क्योंकि ये एक बड़ी जरूरी चीज है। दसवंध न देने से दिल काला हो जाता है, दसवंध न देने से अंदर बातुन काला हो जाता है। मैंने वाज की जमात खाने के बाहर निकल के, मेरी दसवंध की वाज थी। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहता, मिशनरी साहब आज की वाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो, जिसके घर में ठहरा था मुखी साहब के घर पे, उसको कहा मैं, आप जाना मैं आता हूं। मैं उसके घर गया, नीचे उसकी सिल्क स्टोर था, ऊपर वो रहता था। पहले मोटर में से नीचे उतरे, मुझे बोले कि देखो ये मेरा स्टोर है, सिल्क स्टोर है। पिछली साइड से ऊपर गए, फाइल निकाल के मेरे सामने उसने रखे खत।
एक खत था जो उसने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को लिखा था। खत पढ़ के मुझे सारी हकीकत का पता लगा। इसने मौला को खत लिखा, इसलिए लिखा कि इसके स्टोर में चोरी हो गई। एक दिन सुबह जमात खाने से होके घर गया और नीचे उतरा, चौकीदार है, ताले वगैरह लगे हैं, मगर जब ये नीचे आया दुकान खोलने के लिए तो अंदर दुकान बिल्कुल खाली थी। छोटा सा लोहे का जो स्टील का सेफ थी बॉक्स, वो भी टूट गया था। पहले तो इसको जो शॉक लगा, थोड़ी देर बैठ गया कुर्सी के ऊपर, पानी वगैरह पिया, मौला को याद किया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। चोर लोगों ने आके सारा जितना भी माल था सब कुछ चुरा लिया, और कुछ थोड़े से रोकड़े पैसे थे वो भी ले गए। पुलिस से फारिग होके घर पे आके इसने मौला को खत लिखा, वो खत मेरे सामने इसने रखा। कहता, या मौला, मैं तेरा एक अदना नाचीज मुरीद हूं, मैं तेरा रूहानी बच्चा हूं। तेरी रहमत से रोज सुबह शाम जमात खाने जाता हूं। या मौला, जहां तक बन सकता है दुआ चूकता नहीं। या मौला, जहां तक मेरे से बना, मैंने कभी दसवंत की मिस्टेक नहीं की। अनजानी मिस्टेक हो गई तो उसका छांटा भी लेता हूं, और फिर भी इस खत की मारिफत भी मैं तेरे पांव में सिर रख के तेरे पास माफी मांगता हूं। लेकिन या मौला, गिनान के अंदर पीर ने लिखा है, इसने इंग्लिश लेटर्स के अंदर और गिनान का अंदर पाठ लिखा। हे जी अच्छी अच्छी करनी कमाओ मेरे भाई जी, अच्छी अच्छी करनी कमाओ मेरे भाई, तो अगन ना बाड़े पवन ना डोड़े, ये पानी ना बोड़े, ये राजा भी दंड ना दीजिए जी। एक गिनान का पाठ लिखा। कहते, या मौला, मेरा इतना नुकसान हुआ, और तू मेरा रूहानी मात पिता है, तू खुदावंद है मेरा, मैं जो लिख रहा हूं वो तू जानता है कि मैं सच लिख रहा हूं, मैं कुछ झूठ नहीं लिख रहा। या मौला, मेरा ये माल मुझे वापस मिलना चाहिए। मैंने खत पढ़ा, मैं बहुत हंसा, मैंने कहा तूने बहुत अच्छा किया। कहते, अब ये खत रहा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसको जवाब दिया। 20 दिन के बाद जवाब आया, मेरे रूहानी बच्चे, मुझे फलानी तारीख का तेरा खत मिला और तेरे उधर चोरी हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, तूने जो कुछ लिखा है वो सही लिखा है, मैं दुआ करता हूं इंशाल्लाह तेरा माल सारा मिलेगा। इसको खत मिला। 3 दिन के बाद एक पुलिस वाला आया, कहता, सेठ तेरा सारा माल मिल गया, चलो जल्दी करो। ये बैठ के जीप में गए 5-6 माइल जंगल में, वहां चोर भी पकड़ा गया, इसका सारा माल एक अफ्रीकन के घर के अंदर से मिला, 700-750 शिलिंग जो कैश थे वो सेफ के अंदर वो नहीं मिले, इस पैसे की उन्होंने शराब बरब भी और बैठे थे, और इंतजार था कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी बंद हो जाएगी तब ये माल बेचेंगे, मगर माल सारे का सारा मिला। कहता, मिशनरी साहब, जरूर मेरी कोई खामी हुई होगी कि वो 700-750 शिलिंग चले गए, बाकी माल में से एक वार कपड़ा भी कम नहीं हुआ। ये हकीकत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जब भी कोई तकलीफ आवे तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम मुझे ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारे खुद की करतूत है। दसवंत हमें बरकत देती है, दसवंत से सचमुच बहुत बरकत होती है।
और बन सके तो दसवंत रोज लिखाओ। वो लोग के जो बिचारों को 8 दिन के बाद पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, 8 दिन के बाद दे दिया करो। लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, रोज जिनको विक्रय होता है, वो अपना एस्टीमेट करके कभी वो हर रोज दसवंत लिखा में मिशनरी कारा रूड़ा ऐसा कहा करते थे कि हर रोज दसवंत देने से रोज दसवंत की बरकत होती है। वो तो बहुत बड़ा हिसाब करते थे कालारूढ़ा मिशनरी। 1/4 की मजलिस की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर कालारूढ़ा ने की। वो पता किस तरह कहते थे? वो कहते थे कि जो व्यापारी हैं उसको रोज दसवंत देनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने उसको हर रोज नफा दिया है। कभी 50 रुपए का विक्रय हुआ तो उसके अंदर 5 रुपए तो नफा हुआ होगा, 10% का हिसाब करो तो। वो उस जमाने के अंदर तो 50 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, 5 रुपए भी बड़ी चीज थी। तो वो कहते थे कि 5 रुपए तुम कभी उसके अंदर से 1/8 हिस्सा करो। 1 रुपए के वो जमाने के अंदर 64 पैसे होते थे, तो उसके अंदर से 8 पैसे दसवंत बनते थे। तो कहता है कि 40 पैसे मुखी के हाथ में शाम को रख दो और मौला को कहो या मौला भूल चुक माफ करना। वो कहते थे कि कभी तुमने आज 40 पैसे नहीं रखे तो ये 40 पैसे तुमने यूज किए, फिर तुमने 2-4 दिन के बाद की 8 दिन के बाद के चांद रात को तुम वो जो कुछ भी देते हो तो बचू इतने। वो ऐसा करते थे, जो झोली भी बहुत थे, कहते थे बच्चू तुम ये 40 पैसे मौला के रोज यूज करते हो, उसका ब्याज देते हो, ब्याज तो तुम खा जाते हो। वो ऐसा कहते थे, 40 पैसे उसका हक होता है, वो तुम खीसे में रख छोड़ते हो और यूज करते हो, ये 40 पैसे उसको दे दो और कभी ये यूज करना है तो उसका ब्याज दो उसको। इसलिए कहते थे कि हर रोज दसवंत लिखा दो, हो सकता है कल तुम्हारी मौत आ जाए तो तुमने कल दसवंत दे दी थी, बहुत ज्यादा हुआ तो आज की सिर चढ़ी है, वो तो फिर चढ़ती नहीं है ना। कालारूढ़ा जैसा आदमी तो इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई होगा, उन जैसा मोमन और उन जैसा इबादत करने वाला तो कभी कोई मौला की रहमत से होवे। मगर उन्होंने दसवंत के ऊपर जितना जोर दिया वो ऐसा जोर है कि पीरों के कलाम में सचमुच निकलता है। पीरों ने तो यहां तक कह दिया कि जो दसवंत खा जाता है वो कौरव जैसा है। कौरव पांडव थे ना, पांडव मौला के भगत थे और कौरव जो थे वो मौला के दुश्मन थे। दसवंत खाई जे मोमन होए से होसे ते कोरावानी जोड़। दसवंत खा के जो कहेगा कि मैं मोमन हूं वो तो कौरव है, कौरवों की तरह। दसवंत माले वाजिब मौलाना हजरत इमाम के मुख मुबारक में से बहुत से फरमान हुए। कुछ लोग कहते हैं भाई मौलाना हजरत इमाम ने इस जौमे के अंदर कभी भी दसवंत की बात नहीं निकाली। नहीं दीनदारों, आपको मिस्टेक हुई है। सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह बहुत जोर दे के बार 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 नहीं कहा, एक दफा कह दिया काफी है, क्योंकि अभी एजुकेटेड लोग ज्यादा हो गए, समझदार ज्यादा हो गए। इमाम सुल्तान महमूद शाह के जमाने में 100-125 बरस पहले की जो जमात और वो भी खेडूत और किसान गरीब मजदूर वगैरह, उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। तो इमाम बार बार फरमाया करते थे। मौलाना हजरत इमाम तख्त नशीन हुए, फरमान फरमाया कि मेरे दादा ने जो तुम्हें फरमान किए हैं उन पे बराबर अमल करते रहो जब तक कि मैं कोई फेर फर्क चेंज ना करूं। कभी कोई फेर फर्क नहीं किया अपने मजहब के स्ट्रक्चर के अंदर। मजहब की जो बुनियादी चीजें हैं वो वैसे ही चल रही हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी रीत रस्म के अंदर फर्क हो गई, कुछ 2 दुआएं कमती मांगी तस्बीह के अंदर, या 2 नाम हमने ज्यादा दे दिए, या बैठ के वो घटपाट की क्रिया की या उठ के की। ये इससे हमारे मजहब की बुनियादी फर्क में कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारी बुनियाद ये है कि मौलाना हजरत इमाम
को हम अपना खुदावंद आलमीन की ज़ात पाक और मजहर नूर मानते हैं, इसके ऊपर हमारा एतिकाद और ईमान है। दूसरी चीज़ यह है कि हमने इमाम की बयत की है, तो इस बयत का मतलब यह है कि हाज़िर इमाम की ताबेदारी करेंगे, मौलाना हाज़िर इमाम के मज़हब के ऊपर चलेंगे। हमारे मज़हब में नहीं, दुनिया के दूसरे भी मज़हबों के अंदर बहुत से लोग अपने मज़हब से निकल जाते हैं, बहुत से निकल जाते हैं। हमारे मज़हब में से भी बहुत दफ़ा लोग निकल गए, 100 बरस पहले 75 बरस पहले बहुत से लोग निकल गए। मौलाना हाज़िर इमाम तख्त नशीन हुए तो 2 बड़ी फैमिलियां पंजाब के अंदर कालरा के अंदर, कालरा एक जगह है चिनियोट और कालरा, वहां 2 फैमिलियां अपने मजहब से निकल गईं। प्रिंस अली खान की इमामत की डिक्लेरेशन नहीं हुई, उसकी बजाय हाजर इमाम की इमामत की डिक्लेरेशन जब की गई तो ये 24 आदमियों की 2 फैमिलियां इन्होंने हाजर इमाम की बयत करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, बाप के बाद बेटा ही होना चाहिए। अरे भाई पोतरा भी तो बेटा है, पोतरा है वो भी बेटा है, और इमाम जो है वो भूल नहीं करता। अगर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को मानते आए हो तो अब तुम उसकी भूल निकालते हो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को कबूल करते हो कि हाँ, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने बेटे प्रिंस अली खान की जगह उसके बेटे को अपनी गादी दे दी, तो तुम ये समझते हो कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने भूल की, उसको ये इस्माइली मजहब की इस ट्रेडिशन का पता नहीं था। इसका जवाब उनके पास कुछ ना था, मगर दिल उखड़ गए, उखड़ गए। उन्होंने प्रिंस अली खान के नाम की बयत ले ली। जब प्रिंस साहब को खत वगैरह भेजे और प्रिंस साहब को दसवंत के पैसे भेजे तो प्रिंस साहब ने कहा कि ये मेरा हक नहीं, ये मेरे बेटे को दो। प्रिंस अली खान कराची गए और उनको बुलाया मगर वो आए ही नहीं। फिर लाहौर गए और उधर आए तो प्रिंस नामदार ने फरमाया कि मेरे बाप ने जो मुझे गादी सौंपनी थी वो मेरे बेटे को दी है, तो तुम खुद उसकी इमामत के कायल हो जाओ, मुझे इमाम मानते हो ना, मैं तुमको कहता हूं कि उसको इमाम मानो। मगर नहीं, जब प्रिंस अली खान की वफात हुई एक्सीडेंट में तो उन्होंने प्रिंस अमीन को इमाम मान लिया। देखा जोक कैसा हो गया, हंसने की बात है। अच्छा भाई, प्रिंस अली खान के बाद तो आगा खान का जिसको टाइटल मिला, इमाम का टाइटल मिला, शाह करीम के पांव में आ जाओ, तो कहते नहीं इसने दगा किया है, तो वो प्रिंस अमीन को इमाम मानने लग गए। प्रिंस अमीन साहब ने कभी उनकी तरह ख्याल भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उनको एक दफा कहला भेजा कि मेरा भाई इमाम है, मैंने खुद ने उसकी बयत की है और तुम मुझे इमाम मानते हो। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब इंसान की ईमान की हालत बिगड़ जाती है, उसकी आंखें अंदर की अंधी हो जाती हैं, फिर उसको कितना भी समझाओ नहीं समझता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे आदमियों के लिए फरमाया है, खत्म अल्लाहु अलै कुलूबहिम व अलै समयहिम व अलै अबसारहिम गशावतहुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वो लोगों के दिलों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी। मोहर क्या है? रिजेक्ट की मोहर। जिनके दिल खराब हो चुके हैं, जिनके दिल में ईमान नहीं, तो अल्लाह ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि इनके दिलों के ऊपर, इनके कानों के ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, उनको कितना भी समझाओगे समझेंगे नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे थे, अबू जहल उनका चाचा था। रसूल खुदा अल्लाह को कहते थे कि या मौला, 2 उमर हैं मक्का के अंदर और दोनों बड़े रसूख वाले इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, ये 2 उम्रों में से 1 उम्र मेरे को दे दे, यानी मुसलमान बन जाए। एक तो ये अबू जहल, इसका नाम उमर था, और दूसरा उमर इब्ने खत्ताब जो बाद में दूसरे खलीफा बने। तो रसूल पाक बैठे थे, अबू जहल आया, चाचा आया, तो नबी करीम ने खड़े होके उसको अदब किया। भले काफिर था मगर चाचा था, बुजुर्ग था,
पास बिठाया, कहा मेरे भतीजे, आज मैं तय करके आया हूँ कि अगर तू मेरे को कोई अपनी करामत दिखा देवे तो आज मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तेरी नबूवत का कायल हो जाऊंगा। फरमाया चाचा, करामत करना, मौजजा करना सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक करती है, मैं तो उसका बंदा हूँ। नहीं, तू अल्लाह से दुआ कर। अच्छा, क्या चाहिए? एक दरख्त पैदा होवे अभी अभी, उसका जो स्टेम है दरख्त का तना वो चांदी का हो। अच्छा, उसकी टहनियाँ हैं वो भी चांदी की हों। अच्छा, उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते सोने के हों। अच्छा, और उसको जो फल लगे हों वो जुमुर्द और जवाहरात के हों। रसूल पाक हंसे लेकिन हाथ ऊंचे किए, अय अल्लाह, हो सकता है इसको ईमान आ जाए। इधर हाथ ऊंचे हुए और उधर अबू जहल ने देखा, दूसरे असहाब बैठे थे किसी ने नहीं देखा, लेकिन अबू जहल की नजर ने देखा कि वाकई एक दरख्त खड़ा हुआ, चांदी का तना, चांदी की टहनियां, सोने के पत्ते, जुमुर्द और जवाहरात के गुमछे लगे हुए हैं। हाथ मार के हुजूर पाक के जानू के ऊपर कहता है, वाह मेरे भतीजे, वाह वाह, ऐसा जादू तो मैंने कभी नहीं देखा। उठ के चला गया। फरमाता है, वमन कान फी हाज़िही आमा, इस दुनिया के अंदर जो अंधा है, फहुवल फिल आखरते आमा, और वो आखरत के अंदर भी अंधा होगा। क्या ये अंधे जिनकी बीमारी से आंखें खराब हो जाती हैं, उन अंधों का अल्लाह जिक्र करता है? इनके अंदर तो बड़े नेक और आबिद लोग भी होंगे, लेकिन यहां अंधे का मतलब कि जिसने अल्लाह के नूर की शनाख्त नहीं की वो उधर भी अंधे रहेंगे। मौला अली फरमाते हैं अपने दीवान के अंदर कि अगर किसी आदमी की बीमारी की वजह से आंखें अंधी हो जाएं, उसका इलाज किया जाए तो उसकी जान को राहत मिलती है, मगर जिसका सीना अंधा हो गया, लुकमान हकीम भी आके उसका इलाज करे, लुकमान पैगंबर थे, मगर उसका इलाज नहीं होगा। आंखें अंधी इलाज करे तो चंगी होवे जान, पर जिसका सीना अंधा इलाज नहीं, जो फिर आवे लुकमान। जिसका सीना अंधा हो गया उसका कोई इलाज नहीं, और दसवंद खा जाने से, मौला का हक खा जाने से दिल काले हो जाते हैं। दुनिया के अंदर भी ऐसे आदमी के साथ लेन देन करोगे दगा करेगा, दुनिया में भी। पीर हसन कबीर दीन ने एक बहुत अच्छा पाठ लिखा है, उस पाठ का मैं आपको चितार बताऊं कि एक बहुत बड़ी स्टीमर है जिसके अंदर माल भरा हुआ है, और वो स्टीमर अटलांटिक ओशन में से निकल रही है, बस तूफान ने आके उसको पकड़ लिया, भार से, माल से वो वजनदार हो चुकी स्टीमर, और उसकी जो लिमिट है डेप्थ की वो ज्यादा हो गई है, यानी उसने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन अंदर रखा हुआ है, और फिर तूफान आ गया है भर दरिया में, सेंटर ऑफ अटलांटिक के अंदर। अब मुझे बताओ कि इस तरफ यूरोप 2000 मील है और इस तरफ अमेरिका 2000 मील है, फिर उस स्टीमर को बचने का कोई है कोई रास्ता? अभी मैं आपको वो पाठ सुनाऊं। हे जी जेने घर माहे सरकार खादी, यहां सरकार से मतलब दसवंत, या हमने जो नियत की है वो पैसा, या दीनदारों वो पैसा कि जो माल सरकारी है। माल सरकारी की बहुत सी किस्में हैं, मैं आपको बाद में बताता हूं। जिसने घर में
माल सरकार खाया, हजर इमाम का माल खाया। हे जी जने रे घर माहे सरकार खा दी, टको पैसो बादाम जी, ए मकरी ने तमे जान जो, ए मकरी ने तमे जान जो, जे मा महादरिये भांग्यो वहान जी। सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशन में जहाज टूट गया, उसका क्या हाल होएगा? तो फिर कहते हैं जिसने माल सरकार खाया, एक टका खाया, एक सेंट जितना, एक बादाम जितना भी खाया, तो ऐसा समझ लेना कि भर दरिया में उसका जहाज टूट गया। उस आदमी के बचने की कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। माल सरकारी दसवंत तो सबसे पहला माल सरकारी है। इमाम के घर की कोई चोरी करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ की बात नहीं करता, आपकी जमात बहुत अच्छी जमात है, मोमिन हो, फिर भी कभी बेदरकारी होती है, तो आज की मेरी आवाज सुन के चौकन्ने हो जाओ। मगर ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ लोग नांदी लेवे और नांदी के पैसे न देवे, या नांदी लेवे तो जितनी रकम होवे उतनी रकम से कम देवे। नांदी लेने वाला खुद अपने आप के ऊपर मुख्तार है कि मैंने नांदी ली, ये मौला का हक है। हम जो नांदी लाते हैं जमात खाने में, ये नांदी या तो इमाम की मेहमानी है, या हमारी भूल चूक की वजह से इमाम इस नांदी को दसवंत के अंदर कबूल फरमाता है। मौलाना अली शाह माँ बाप का ये फरमान है, मौला फरमाया कि जो आदमी घर से पका के हमारे लिए मेहमानी लाता है, अगर उसकी कोई दसवंत की भूल चूक हुई होगी कि जो उसको पता नहीं, अजानी मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, या किसी से कोई गैर कौम वालों की तरफ से कोई तोहफा मिला है, तो वो भी एक आमदन के हिसाब में आता है, उसमें से उसने गलत कयास करके कभी ऐसी कोई थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, तो अली शमा बाप फरमाया जितने में वो नांदी जाएगी, यानी खरीदने वाले ने जितने पैसे दिए, वो पैसे मैं दसवंत की भूल चुक के लेखे में लूंगा। तो अर्ज की गई जमात की तरफ से कि या मौला, नांदी लेके आवे उसको तो ये तुमने रहम करके ये बख्शीश दी, मगर जो पैसे दे के नांदी घर ले जाता है खरीद के, तो मौलाना अली शाह फरमाया उसके लिए भी यही फरमान है, नांदी तुम्हारे घर से जो आती है वो एक डॉलर में जावे तो वो एक डॉलर आपकी दसवंत की मिस्टेक में जाता है, अगर मिस्टेक नहीं है तो वो इमाम की मेहमानी है। लेकिन दीनदारों, आप जानबूझ के नांदी की रकम को दसवंत की रकम में से काट मत लो, यानी पहले से आप इस नियत से कि चलो मैं दसवंत की रकम थोड़ी दूं, घर से जो नांदी जाती है वो दसवंत पेटे जावे, ऐसा नहीं करना। मगर एक चीज है जो सैकड़ों साल से हमारे यहां चली आती है, और हम मिशनरी लोग अपने इमाम के फरमान के हिसाब से हम ऐसा कहते हैं, बहुत सी औरतें मिशनरियों को मिलती हैं, इमाम की हुजूर में भी जाती हैं कि या मौला, मेरा जो खाविंद है बेदीन है, इस्माइली मजहब में नहीं, मैं इस्माइली हूँ, मैं तेरी मुरीद हूँ, मैं तेरी रूहानी बच्ची हूँ, और मैं दसवंत निकालना चाहती हूँ। या कभी कभी मौला यूं के हुजूर में वो कहते हैं कि या मौला, मेरा मालिक जो है, मेरा हस्बैंड वो है इस्माइली, मगर जमात खाने नहीं आता, दसवंत नहीं देता, बिल्कुल बेईमान है। तो उसको मौला की तरफ से ऐसा फरमान है
कि तुम अपने घर के राशन में से कुछ न कुछ निकाल के जमात खाने के अंदर नांदी के तौर पे जो भेजोगे, ये नियत करके कि या मौला मेरा जो हस्बैंड है वो बेईमान है तो इस्माइली, तेरी बयत भी की है उसने मगर दगाबाज है, अनग्रेटफुल है, दसवंत देता भी नहीं देने भी नहीं देता, तो उसकी औरत कभी घर के खर्च वगैरह में से थोड़ी सी रकम निकाल के उसके नाम की दसवंत मुखी के हाथ पे रख देवे, मुखियानी के हाथ पे रख देवे, अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि ये मेरे दसवंत के पैसे हैं, मौला तो नियत से वाकिफ है, दुआ कराते वक्त रकम रख दो, जरूर उसका फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। और ऐसे बहुत से फायदे हो चुके हैं, बेईमान मर्द दुरुस्त हो गए, ईमानदार बन गए, जमात खानों में आने लग गए दसवंत की वजह से। मेरे पास डिट्रॉयट में था तो कुछ बच्चों ने सवाल किया, इधर भी कुछ सवाल शायद आया कि नहीं, बस दफा बच्चे पूछते हैं हमको जो पॉकेट खर्च मिलता है उसमें से हम दसवंत देवें, तुम्हारे ऊपर है बच्चों, तुम्हारा बाप कमाता है दसवंत देता है और तुमको $20 उसने दिए पॉकेट खर्च के लिए, तो तुम्हारे ऊपर दसवंत देने का कोई हक यानी फर्ज नहीं, कभी तुम नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाप दसवंत देता है और तुम्हारी कोई कमानी नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमको तुम्हारी छोटी उम्र से आदत पड़ जाए इसके लिए कहता हूं कि उसमें $2.5 मुखी साहब को दसवंत दे दो। खुद मेरी जिंदगी की यही बातें हैं, हमको छोटी उम्र में से बाप जब भी पैसे देवे कि ये 5 रुपए, तो बोले जाओ इसमें से 40 पैसे जाके दसवंत दे दो, ताकि छोटी उम्र से आदत पड़े। उस दसवंत की बरकत से ईमान भी अच्छा होगा, बाप को भी उसका फायदा होता क्योंकि बाप का पैसा है वो, और हमको भी उसका फायदा मिलता है। नियत इंसान की करनी चाहिए, अगर इमाम के हुजूर में नियत करोगे दीनदारों वो जरूर आपकी मदद करेगा। दसवंत माल वाजिब है, इसका नाम ही माल वाजिब है, यानी हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाली गई कि हम अपनी कमानी में से दसवंत देवें, और हमने अपने हजर इमाम की बयत करते वक्त ये प्रॉमिस किया है। बयत का मतलब ही ये है कि या मौला मैं तेरा फरमान मानूंगा, इस्माइली मजहब के ऊपर बराबर चलूंगा। तो इस्माइली मजहब की ये पहली पंक्ति है ये कि दुआ पढ़ो 3 वक्त की, और दूसरी पंक्ति यानी सीढ़ी दूसरा स्टेप ये है अपनी कमानी में से दसवंत दो। हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवात उल्लाह अलैहि फरमाते थे, पीर सदर दीन 16 घंटे बंदगी करते थे, 2 घंटे सोते थे, 2 घंटे काम करते थे, कभी टोपियां बनाते थे, कभी कुरान लिखते थे और बेचते थे, और 4 घंटे वाज नसीहत और दूसरे लोगों को मजहब सिखाते थे। फिर भी उसमें से भी पीर सदरुद्दीन खुद दसवंत देते थे। पीर हसन कबीरुद्दीन ने लिखा है कि पहले दसवंत तो हमने दी, पीर ने, गुर ने पहले दसवंत दी, फिर मोमनों को कहा कि तुम दसवंत दो। दसवंत हमारे बदन की भी निकलनी चाहिए, वो बच्चे जो जमात खाने का काम करते हैं, वो मुखी कामड़िया जो जमात खाने की सेवा करते हैं इमाम के प्रतिनिधि के तौर पे, वो प्रेसिडेंट और वो अमलदारी के जो जमात खाने के अंदर इमाम की तरफ से लीडर बनाए गए ताकि वो जमात की सेवा करें, ये सब किसी न किसी तरीके से जो इमाम के घर की खिदमत करते हैं मोमिनों, और अगर इन लोगों ने, हमारी कौम के लीडरों ने, मिशनरियों ने, भंडितों ने, पंडितों ने, वॉलंटियरों ने, जो कुछ भी खिदमत कर रहे हैं उसके अंदर हमको पर्सनली जाती फायदे की कोई गरज नहीं। इधर कोई ये कांग्रेस का के सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हम नहीं कर रहे, हमको कोई इलेक्शन में खड़े होने की बात नहीं, हम तो प्योरली मौलाना हजरत इमाम की खिदमत और उसका राजीपा मिले इसके लिए ये सब खिदमतें हैं। अगर ये बराबर खिदमतें हैं तो इमाम फरमाता है कि मैं उनके शरीर की दसवंत कबूल करता हूं, यानी शरीर की दसवंत भी है, टाइम की दसवंत भी है, और इमाम जमान उनको इसका बदला देता है। इमाम के हुजूर में हमारा सर नीचे पड़ा है,
और वो सर जो है कभी भी नहीं उठेगा, मर जाएंगे तो भी नहीं उठेगा, कितना भी दुख आ जाए तो भी नहीं उठेगा। और हमारे गिनानों के अंदर इस किस्म के बहुत से मिसालें और कहानियां हैं कि लोगों ने किस तरह से अपनी जानें दे दी मगर इमाम का दर छोड़ा नहीं। मोमिनों, मौलाना हजर इमाम हमारा रूहानी माँ बाप है, अल्लाह का नूर है। हम मौलाना हजर इमाम के बदन को पूजते नहीं, इमाम जमान के बदन की पूजा नहीं करते, हम तो उस अल्लाह के नूर को मानते हैं जो हजर इमाम के अंदर है, उसी का नाम इमाम है और उसके हुक्म के ऊपर चलते हैं और उससे हम मोहब्बत करते हैं, उसको हम दसवन देते हैं और दसवन देने से हमारा दिल मोहब्बत से भर जाता है, हमें सुख मिलता है। दुनिया के अंदर दुख आएंगे मगर दसवंदी आदमी दुखी नहीं होएगा। ये मतलब नहीं समझना मेरी तरफ से कि दसवंद दोगे तो दूसरे दिन आपको $2,000 की लॉटरी निकल जाएगी या रस्ते के अंदर $5,000 आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। मौला बरकत देगा, मालदार कभी ना भी बनोगे सुखी रहोगे, मोहताज नहीं बनोगे तंदुरुस्त रहोगे। इमाम के हुजूर में एक औरत ने अपने मर्द के लिए मेहमानी रखी और उधर उसने शिकायत की, खुदावन मेरे हस्बैंड को दुआ करो ये अच्छा हो जावे, बहुत बीमार बीमार रहता है। मौलाना हाजर इमाम चुप रहे, क्या बीमारी है? तो दो चार किस्म की कॉम्प्लेक्स बीमारियां थी। तो इसने में वो दूसरी दफा बोल उठी, कहती है या मौला दुआ करो ये दसवंद नहीं देता। तो मौला उसको कहते दसवंद देता है। अब औरत को ज्यादा पता है घर के अंदर के दसवंद नहीं देता और हजर इमाम कहते हैं दसवंद देता है, तो वो बिचारी चुप हो गई, मन में समझने लगी कि शायद छुप के देता होगा। तो मौलाना हजर इमाम फरमाया दसवंद देता है, हमको नहीं देता, डॉक्टर को देता है, बीमारी जाती ही नहीं। कोई यूं हैरान होता है, कोई यूं हैरान होता है, किसी का बेटा विरुद्ध में हो गया, किसी को ऐसी बीमारी लग गई, किसी की बेइज्जती हो गई, कोई गधे की तरह काम करे तो उसको ऊपर आने का काम ही कुछ रास्ता ही नहीं मिलता। एक नहीं अनेक तरीके से हमें दुनिया के अंदर हैरान गति होनी पड़ती है। दसवंद देने वालों के ऊपर मौला कभी कभी परीक्षा भी देता, मगर जो आदमी हजर इमाम के ऊपर एतकाद रख के बराबर अपनी दसवंद देता रहेगा दीनदारो, कुछ दिन तक मौला उसका बहुत इम्तिहान लेगा, उसको मुमकिन है और भी दुखों में डाल देवे, ये देखने के लिए कि ये सोना पक्का है कि नहीं, बार बार आग में जलाने से भी उसका रंग बदलता नहीं, तो फिर उसको दागीना बना के अपने गले में डालता है। इसका मतलब ये है कि इमाम उसको प्यार करता है। सतगुरु कह रहे दास हमारा जे होए से ते छे हमारा गले ना हार, तेने गले ना हार करीने राख ते मोमन के सुख का अंत ना पार रे, भाई सुख का अंत ना पार। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे प्रेम भक्ति तो हृदय वसे अने अंतराल लगा ऐसा से उषा से एम आराधिए काने सुरत ना जाए रे भाई काने सुरत ना जाए। दसवंद देने से हमारे दिल के अंदर जो मोहब्बत पैदा होती है वो मोहब्बत ऐसी है कि अंदर अंदर बढ़ती है, लोगों को बताने की चीज नहीं रहती,
मगर मौला उसके साथ रहता है। पीर फरमाते हैं कि ये जो पांचवी बारी है ये बहुत उत्तम है, इसका बहुत ख्याल रखना, ये सबसे बड़ी बारी है। अगर तुम बराबर दसवंत दोगे तो गुर नर के साथ शाह पीर के साथ हमेशा रहोगे। जब भी तुम उसके पास होगे तुम्हें दुनिया की कोई तकलीफ नड़ेगी नहीं। इंशाअल्लाह मौला आपको दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, मौला दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, मौला अपनी मोहब्बत में ज्यादा करे, मौला आपको अपनी पनाह में छतर छाया में रखे, आपकी तकलीफें मुसीबतें बलाएं दूर करे, मौला आपकी दुआएं कबूल करे, मौला आपकी रोजी कमानी को पाक बनाए, मौला आपको बरकत देवे, आपकी जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार तंदुरुस्ती के अंदर ज्यादती करे, बरकत देवे। मौलाना हजर इमाम हजारों बातों दीदार नसीब करे। एक पाठ बोलता हूँ कि जो इंसान हमारे मजहब के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे जो जमात खाने में आते हैं, कई सोए होते हैं, कोई समझते भी नहीं, मगर उनके जीव उनकी रूहें बहुत बड़ी हैं, ये सिर्फ मौला जानता है। खाना वदान, खाना वदान।